साथ ही मैं थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ अनेक सेंग्रे वाले तबर दलाल को इतना अनेक पोराड़ी कोण निरुक्त वाले इतना मालूम नहीं रहते हैं हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हो और बहुत सारे लोगों के लिए कठिन दिखाई पड़ता हो और हम सबको ही निकालेंगे व्यवस्था विवरण छठवां अध्याय और छह अध्याय स्मरण चौथा वचन से सातवां वचन तक हमारे बहन पढ़ देंगी கலாத்தியர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீமோத்தேயுவை போல் சொல்லும் போது
ஒன்று பேதுரு 5:13 பார்க்கும்போது நான் கட்டப்பட்டிருந்த போது பெற்ற மகனாக இருந்த சார் பிலமோன் 1:10 பார்க்கும்போது கட்டப்பட்டிருந்த போது பெற்ற மகனாகிய பிலமோன் ஒனேசிமுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறாரு ले जाना चाहता हूँ और
सुनने को मिला कि वहाँ के अभिभावक इस प्रकार कहते हैं और वार्ता में वो लोग करीबन 14 घंटे देते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाने के लिए परमेश्वर के बातों को उनको सुनाने के लिए और मेरे जीवन से इस बात को जब तुलना करता हूँ मैं बहुत दुख के साथ इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ हम अपने लिए एक अगला पीढ़ी को तैयार करने के लिए कितना समय हम लोग दे रहे हैं हो सकता है उनके पढ़ाई के लिए बहुत सारे कामों को हम लोग करते होंगे हो सकता है उनके लिए कपड़ा खरीदना है इस प्रकार खर्च करना है उस प्रकार खर्च करना करके खर्च जरूर करते होंगे खास संदेश है जो इस जंदो और वीक के 14 आवर्स को करना था मतलब वर्षत ले इधर की आंटोडे कार्य में कच्चे कुड़ पदर पर आप इतने मणि दे रहे हो नरोडे बोले देख लेते सर अपनी तरफ यहूदी लोग अगर 14 घंटा एक सप्ताह में दे सकते हैं तो हम इस साल के अंदर बैठ के सोचें कि कितना घंटों को अपने बच्चों को परमेश्वर की बात में सिखाने के लिए हम लोगों ने दिया है और मैं जब बच्चे बोल रहा हूँ तो अपने ही बच्चों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन सारे बच्चे जितने बच्चों को परमेश्वर ने दिया अपना बच्चा और बच्चों को जो दिया उन लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए हमने कितना समय दिया है बच्चों के लिए सिर्फ वो लोग समय लेते होंगे और बोलते होंगे कि यही मेरा बच्चा है करके बोलते होंगे लेकिन सारे बच्चों को एक टोकरी में रख करके मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और हो सकता है आप अपना बच्चा होने के बावजूद आपके पास आत्मिक बच्चे नहीं है बहुत बार इस जिम्मेवारी को किसी और के ऊपर लदवा करके हम लोग भाग जाते हैं परमेश्वर हमें अलग करके हमारे हाथों में एक जिम्मेवारी को अगर थमाया है वो ये है कि उसने हमारे हाथों में बच्चों को दिया तुम पर भरोसा करके मैंने इन बच्चों को दिया और मूसा का माँ बाप जैसे वहाँ पे उनके हाथ में दिया गया और इस बच्चा को मेरे लिए पालन पोषण करके देना करके जैसे वो लोग फिरौन के घर में से बोले वैसे परमेश्वर आपको मुझको देख करके बोल रहा है इस बच्चा को मेरे लिए तो पालन पोषण करके दोगे क्या सोच करके हम जो करना है हम उसको करते नहीं लिखा गया है कि जो बात हम लोग सिखा रहे हैं उसको ऐसा सिखाना है कि उनके बुजुर्ग अवस्था में भी उस बात को वो लोग ना छोड़े अभी जब वो जवान हो गए या आगे जब वो लोग बढ़ जाते हैं तो हम लोग रोने लगते हैं आंसुओं के साथ रहते हैं और एक भाई को मैं जानता
बच्चों के निमित्त आप रो रहे हैं और प्रार्थना में हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार मत करो करके बच्चा से बेटी से बोलता हूँ तो वो लोग वही काम करते हैं जिसको मना किया जाता है। इस प्रकार मत कपड़ा पहनो करके जब बोल रहे हैं तो उसी प्रकार कपड़ा पहनने के लिए वो लोग चाहते हैं। விஷயத்தை இன்னும் வளர்த்து கொடுக்க விரும்புகிறேன். நான் நேரம் கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறேன். நான் முடிக்க விரும்புகிறேன்.
और समय तो बिल्कुल ज्यादा ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। और जितना ही हम लोग भाग दौड़ क्यों न करें, जितना भी हम काम क्यों न करें, ஒரு காரியத்தை மறந்துவிடாதீர்கள். एक बात को हमें नहीं भूलना है, ஒவ்வொரு நாளும் அவர்தெந்த ஆண்டவருடைய குரலை கேட்பதற்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு வருவதற்கு மறந்துவிடாதீர்கள். பரமேஸ்வர் கே உபஸ்தித் में आना, उसकी आवाज को सुनना, प्रति दिन हमें इसको बरकरार रखना है। ஜெபமே உங்களுடைய ஜீவனாக மாறட்டும். और प्रार्थना ही हमारा जीवन बनने पाए। நம்முடைய அறிந்து வைத்திருக்கிற அறிவை குறித்ததல்ல, இல்ல நம்முடைய சட்டதிட்டங்களை வைத்தல்ல, ஆண்டவர் எப்படியாக நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று உங்களை வழிநடத்துகிறாரோ அந்த வழியிலே परमेश्वर के कानून को जानने से, परमेश्वर के मनसा को जानने के लिए अपने आप को ज्यादातर हम लोग दें। और हम कितना बड़ा है ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन इससे बहुत जरूरी ये है कि हमारी बात मतियुस को हम लोगों ने खड़ा किया है या नहीं, हमारे अगला पीढ़ी को बनाने के लिए। चलते फिरते ठहरते और लेटते हम लोग 24 घंटे उनको बनाने के उसके लिए समय देते रहेंगे। और प्रभु बिल्कुल साधारण तरीके से
आपको कह करके समाप्त करते हैं ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாவோ பரலோகத்தில் எழுதுவதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் ஆத்மா तुम्हारे वश में है परंतु इससे आनंद हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं इस सामने कई बातों का प्राप्ति हमें हुई होगी मेघ कार्य में सहित मृत्यु बहुत सारे कामों को हम लोग किए होंगे लेकिन हमारा आनंद उन बातों पर ना हो करके प्रभु आपके प्रसन्न योग्य कोई काम अगर मैं किया हूँ क्या एक भला या दयालु सामरी के रूप में मेरे संदेश रहा है क्या मैं ऐसा पीढ़ी का आयोजन किया हूँ क्या उनके लिए मैंने समय बिताया है किन किन बातों में अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया है करके ध्यान देने के लिए बुलाया गया है उस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर टेक लगा करके हम जिएंगे हमारा नाम भी वहाँ पे लिखा रहेगा और वहाँ आनंदित होने के लिए ये सही रहेगा जब हम सही रहा आइए हम प्रार्थना करें आंटवरे लॉर्ड ने पेशर कार्य के नाम पर निश्चित हो प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया इसके तहत धन्यवाद करते हैं अनेक कार्य के लिए ओड़ी बने बहुत सारी बातों में हम लोग दौड़ते रहते हैं प्रभु जी प्रभु हम लोग बहुत व्यस्तता के साथ आगे बढ़ रहे हैं बहुत बार भोर में तड़के उठ करके हम दिन उपस्थिति में नहीं पाए जाते हैं तो आवाज को नहीं सुने प्रभु जी प्रभु जी हम ऐसे लोगों के रूप में नहीं होंगे जो कुड़कुड़ाने वाले हैं प्रभु अभी इतना काम किया अभी इसको भी करना है क्या प्रभु जी हम बहुत सारे जिद्दी करने वाले हो सकते हैं प्रभु कि हम इस प्रकार से नियम कानून को करना है करके पूरा करने के लिए हम चाहते होंगे सकता योना के जैसे हम कहते होंगे प्रभु जी आप कुछ तो कहते हैं और कुछ करते हैं इस प्रकार हमको पुराने वाले होंगे हो सकता है हमारे पास जो जिम्मेदारी दिया गया है उसको किसी और के हाथ में दे करके हाँ ठीक ही कर रहा है अच्छा ही कर रहा है करके हम उसमें संतुष्ट हो सकते हैं वैसा नहीं प्रभु वैसा नहीं ஆசுவாசத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு
प्रभु इस साल के अंत में जब हम लोग आए हैं तो तेरे इन आज्ञाओं को पालन करके तेरे आशीष को प्राप्त करने के लिए मदद कर तेरे सहायता के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में हम लोग सौंपते हैं आप सिर्फ हमारा अगुवा कीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी आमीन अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता इन सारे कामों में ध्यान देने के लिए उस प्रकार जीवन जीने के लिए हमारे साथ बने रहे